Hello everyone, today we will solve exercise 10E class 8 ICSC board और हम सेलिना पब्लिशर के आर के बंसल राइटर की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 1A से एक्सरसाइज 10D तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज A can do a piece of work in 10 days and B in 15 days. How long will they take to finish it working together? Actually, exercise mix है, जितने हम सब पहले कर चुके हैं उन सब की miscellaneous मान लेना, miscellaneous exercise है। तो हमें पता है क्या करेंगे इसमें, A का 1 days का work निकालेंगे, वो क्या जाएगा 1/10, B का 1 day का 1/15, फिर दोनों का यानी कि A plus B का 1 day का निकालेंगे, solve करके जो भी आएगा तो उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो इसमें है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, तो ए का 1 डेज का कितना हो गया, एज 1 डे वर्क, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 1/10। इसी तरह हमने बी का निकाल लिया, वी 1 डे वर्क, आगे लिख रहा है वी इन 15 डेज, वी उस वर्क को 15 डेज में कर सकता है, तो 1 डे का हो जाएगा 1/15। इन दोनों को प्लस कर दें तो दोनों का ए और बी का 1 डे का वर्क लगेगा, ए प्लस बी 1 डे वर्क, 1/10 प्लस 1/15। 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 30। 10 का डिवाइड 30 में करा, 3 times 3 बन जा 3, 15 का डिवाइड 30 में 2 times 2 बन जा 2, 3 plus 2 5/30, 5 बन जा 5, 6 जा, तो ये आ गया 1/6। ए प्लस बी दोनों जब साथ कर रहे हैं तो 1/6 वर्क कर रहे हैं 1 डे में, तो इसके बाद तो आप समझिए, ये पूछा है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट वर्किंग टू गेदर, तो क्या हो जाएगा, बोथ विल फिनिश द वर्क, इसका रेसिप्रोकल कितना 6, तो इन 6 days. It is the solution of first question. The answer is 6 days. Now question 2. And question 2 is A and B together can do a piece of work in 6 and 2/3 days. 3 6 जा 18 plus 2 20 upon 3 देखा है. अब यहाँ पर अलग अलग था, इन दोनों का साथ में देखा है, तो A plus B का 1 days का वर्क क्या होगा, 3/20, इसका रेसिपी को लिख लेंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं, वट बी एलोन कैन डू इट इन 10 डेज, तो वी का 1 डेज का वर्क क्या होगा, 1/10, तो हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू द एलोन, इसको कितने दिन में अकेला करेगा, तो क्या करेंगे, दोनों दिन के 1 डे के वर्क में से बी के 1 डे का वर्क को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो क्या निकलेगा, ए का 1 डेज का, फिर उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं सभी। अभी तो आपको समझ में आ गया 6 and 2/3 का मतलब हो गया 20/3, तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं यहां पर, तो लिखते हैं ए प्लस बी 1 डे वर्क, 3/20, क्योंकि 20/3 का रेसिप्रोकल 3/20, क्लियर। अब यहां पर बी का हमें दे रखा है 1 डे का वर्क, बी अगर उस वर्क को अकेला करे तो वो कह रहा है कुल कितने दिन में कर सकता है, 10 डेज में, तो 1 डे का हो गया 1/10। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 3/20 कर रहे हैं, और इसमें से बी 1 डे में कर रहा है इतना, तो इसमें से अगर मैं बी के 1 डे को माइनस कर दूं तो किसका बचेगा, ए का 1 डे का ही तो बचेगा, तो ए का निकाल लो, एज 1 डे वर्क, यानी कि ए का 1 दिन का वर्क दोनों मिलकर कर रहे हैं इतना, बी अकेला कर रहा है इतना, तो दोनों के में से बी को हटा दो, ए का बचा, एलसीएम क्या 20, 20 का डिवाइड 20 1 times 1 3 जा 3, 10 का डिवाइड 20 में 2 times 2 बन जा 2, और 3 में से 2 गए तो 1/20, ये ए का 1 डे का वर्क है, तो समझ में आ गया ए पूरा वर्क कितनी डेज में करेगा, 20 डेज में, तो हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू डू इट अलोन, तो लिखेंगे ए विल डू अलोन, ए विल डू द सेम वर्क 20 days, तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, आंसर इज 20 डेज।
Now, next question 3. And question 3 is, A can do a work in 15 days. So, 1 days ka kitna ho gaya? 1 upon 50. And B in 20 days. B ka kitna ho gaya? 1 upon 20. If they work together on it for 4 days. In dono milkar 4 din tak lagatar kaam kara. Dono milkar hai na. So, what fraction of the work will be left? Jitna ho gaya, वर्क को हमेशा वन मानते, तो वन में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको भी करते हैं। तो ए कर रहा था 15 डेज में, तो ए का वन डेज का वर्क समझ में आ गया, एज वन डे वर्क 15 का रेसिप्रोकल 1/15, इसका मतलब कुल वर्क का 1/15 यानी कि 50th पार्ट कर रहा है, इसका मतलब ये 50th दिन है ना 15 वाला। और बी कर रहा है 20 डेज में, तो बी इज वन डे वर्क, बी का एक दिन का वर्क कितना है, तो ये हो जाएगा 1/20 पार्ट्स। दोनों साथ साथ कर रहे हैं, तो दोनों का वन डे का निकाल लो पहले। ए प्लस बी वन डे वर्क 1/15 प्लस 1/20, 30 तो नहीं आएगा, 60 इसका एलसीएम आ गया। ओके, 15 फोर जा 60 और 4 बन जा 4, 20 का डिवाइड हम 60 में करें तो कितने टाइम्स किया, 3 टाइम्स, 23 जा 60 और 3 बन जा 3, तो ये हो गया 7/60 पार्ट वन डे का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दे वर्क टूगेदर ऑन इट फॉर 4 डेज, वन डेज में तो इतना वर्क कर रहे हैं, तो 4 डेज में कितना करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 4 डेज का वर्क निकाल लो इनका। ए प्लस बी 4 डेज वर्क 4/7/60, 4 बन जा 4 से 50 टाइम्स कैंसिल, तो 4 डेज में इतना वर्क कंप्लीट हो गया। तो पूछा है कितना वर्क लेफ्ट है, तो वर्क को हमेशा 1 मानते हैं, तो 1 में से माइनस कर दो, लेफ्ट वर्क निकलाएगा, ये रिमेनिंग वर्क बोल लो, है ना, तो फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग वर्क, ये फ्रैक्शन में होता है, वर्क तो पता नहीं है ना, तो फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग या लेफ्ट वर्क, जो भी लैंग्वेज है वो लिख लो, लेफ्ट वर्क, ये आंसर हो जाएगा, 1 में से इसको माइनस कर दो, 15 एलसीएम, 15 माइनस 7, 8/15 इज द आंसर। जो लेफ्ट वर्क है वो कितना फ्रैक्शन है, यानी कि कुल वर्क का 8/15 वर्क अभी करने को रह गया, ये इसका आंसर हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन 4 इज, एंड द क्वेश्चन 4 इज, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, 12 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली, इन व्हाट टाइम विल दे एल टूगेदर टू इट, अगर डू इट सॉरी वो तीनों मिलकर एक साथ करें तो कितने दिन में कर लेंगे। तो सेम है, ए कर रहा है 6 डे में, तो इसका वन डे का हो गया 1/6, बी कर रहा है 12 डेज में, बी का वन डे का वर्क 1/12, और इसी तरह सी का हो जाएगा 1/24, तीनों को ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का वन डे का निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं, तो ए का वन डे का वर्क कितना होगा, एज वन डे वर्क, ए कर रहा है इसको 6 डे में, तो ये हो गया 1/6, वी का क्या होगा, वी वन डेज वर्क, बी कर रहा है 12 डेज में, तो ये हो गया 1/12, और सी कर रहा है 24 डेज में, तो सी इज वन डे वर्क 1/24, तो तीनों मिलकर अगर करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी वन डे वर्क, इन तीनों को ऐड कर दें 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24, 6, 12, 24 का एलसीएम क्या आएगा, 24, 6 का डिवाइड 24 में कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स, 4 बन जा 4, 12 का डिवाइड 24 में 2 टाइम्स, 2 बन जा 2, 24 का 1 टाइम्स 1 बन जा 1, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7/24 डेज, तो तीनों का एक दिन का वर्क निकलाया और वो है 7/24, तो तीनों मिलकर पूरे वर्क को कितना करेंगे, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 24/7 डेज।
तो आप लिखना चाहें लेंगे लिख सकते हैं, ए बी एंड सी टूगेदर विल टेक 24/7 days. हाँ, इसको मिस फ्रैक्शन लिख सकते हैं, वैसा था 7 3 21 और रिमाइंडर 3, तो 3 whole 3/7 days आंसर इसका हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज ए एंड बी वर्किंग टूगेदर कैन माउ अ फील्ड इन 56 days एंड विद द हेल्प ऑफ सी दे कुड हैव माउ इन 42 days. यानी कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी का हो जाएगा ना. हाउ लॉन्ग वुड सी टेक द वाव द फील्ड बाई हिमसेल्फ. तो सिंपल सा है, ए प्लस बी का वन डे कवर निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का वन डे कवर निकालेंगे 142, इन तीनों में से ए प्लस बी का माइनस कर देंगे सी का बचेगा, इसका रेसिप्रोकल इसका आंसर आ जाएगा. चलिए करते हैं. तो यहाँ बी प्लस सी, सॉरी ए बी, ए बी कर रहे हैं 56 डेज में, तो ए प्लस बी का वन डे इसका निकाल लो सीधा सीधा. ए प्लस बी वन डे वर्क दोनों मिलकर 56 डे में, तो एक वन डे इसका कितना होगा 56, और ये कह रहा है सी को भी साथ लेना है, यानी कि तीनों का हो गया. ए प्लस बी प्लस सी वन डे पर, तो ये 56 डे की बजाय 42 डेज में हो रहा है, तो वन डे का कितना हो गया 1/42. देखो तीनों का वन डेज का वर्क इतना, इसमें ए बी का है इतना, तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी को हटा दें तो क्या बचेगा सी का बचेगा, तो सी का वन डे का वर्क क्या हो गया दिस माइनस दिस, तो सी इज वन डे वर्क 1/42 माइनस 1/56. इसका एलसीएम निकालो, 7 6 7 6 7 8 6 8 2 से जाएगा 3 4 4 3 12 12 2 9 24 24 7 4 168 इसका एलसीएम आ गया. ओके, अब ये 42 फोर जा होते हैं 168, 4 टाइम्स गया, 56 थ्री जा होते हैं, तो ये 3 टाइम्स हो गया, तो कितना आ गया 1/168. ये सी का वन डे का वर्क है, तो अब आपको समझ में आ गया सी एलोन उसको कितने दिन में करेगा, इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा. ये पूछा था इसमें फिफ्थ में कि हाउ लॉन्ग वुड सी टेक, तो लिखेंगे सी विल कंप्लीट द सेम वर्क इन 168 डेज. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6. नाउ क्वेश्चन 6 इज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज. ए किसी वर्क को 24 डेज में करता है, तो ए का वन डेज का हो जाएगा 1/24. ए एंड बी कैन डू इट 16 डेज, ए प्लस बी का वन डे का हो जाएगा 1/16. ए बी एंड सी इन 10 and 2/3 कितना हो गया 32/3, तो इन तीनों का वन डेज का हो जाएगा 3/32 days. ओके वर्क सॉरी इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड सी कैन डू इट. तो देखो ए का वन डे का तो मान में 1/24, अब किसी तरीके से हम सी का वन डे का निकालना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, और सी का कैसे निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा. देखो ए प्लस बी प्लस सी का देखा है और ए प्लस बी का देखा है, तो इसमें से ए प्लस बी को माइनस कर देंगे तो खाली किसका बचेगा सी का, और ए का वन डे का पता ही है. चलिए पेपर पकड़ते हैं और समझ में आएगा. तो ये था ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज. तो ए का वन डे इसका निकाल लो, ए इज वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/24, और यहां लिखा हुआ है ए प्लस बी, यानी कि ए एंड बी कैन डू इट इन 16 डेज, तो ए प्लस बी वन डे वर्क, ए और वी का वन डे का वर्क कितना होगा 16 डेज, यानी कि 1/16, और तीनों का भी देखा है कि ए प्लस बी प्लस सी वन डे वर्क, वो तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं 10 and 2/3 या 10 whole 2/3, ये हो गया 32/3, तो वन डे का वर्क क्या होगा 2
अपॉन 30, गलत लिख दिया, 2 नहीं 3 आएगा, ये था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको ब्रैकेट में 10 होल 2/3, तो कितना होगा 10 3 30, 32/3, इसका रिवर्स तो 3/32। अब देखो ये ए बी सी का वनडे का वर्क है और ये ए बी का, तो अगर इसमें से मैं इसको माइनस करूँ तो ए बी हट जाएगा, खाली सी का वनडे का वर्क बचेगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि सी का वनडे इसका वन निकाल रहे हैं, तो सी इज वनडे वर्क 3/32 माइनस ए प्लस बी, अब वो है 1/16, तो क्या होगा 32 एलसीएम, 16 और 32 का एलसीएम 32 होता है, 32 का डिवाइड 32 में 1 टाइम्स, 1 × 3 3, 16 का डिवाइड 32 में 2 टाइम्स और 2 × 1 = 2, तो कितना हो गया 1/32। सी का वनडे का वर्क है और हमें ए का भी मालूम है, तो ए प्लस बी का वनडे का वर्क क्या होगा, दोनों को एड कर दें, तो निकालते हैं अब ए प्लस बी वन डे वर्क, ए का है 1/24 और बी का है 1/32, 24 और 32 का एलसीएम आएगा 96, 24 4 = 96, 32 3 = 3 = 3, कितना हो गया 7/96, यानी कि ये दोनों मिलकर, कौन दोनों, ए और बी मिलकर, ए और बी लिख दिया मैंने, ए बी नहीं सी है ना, सी का वनडे है, ए का वनडे का 1/24, सी का है 1/32, तो ए बी तो हमें दे रखा ना, इसलिए मैंने कहा ए बी कैसे पूछेगा, ए और सी, ये सी है ना, ए प्लस सी, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 96/7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, ये तो लैंग्वेज लिख दो, क्या पूछा था, इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड सी डू इट वर्किंग टू गेदर, तो लिख लो ए एंड सी विल डू इन, इसका रेसिप्रोकल 96/7 days, इसको मिक्स प्रेस में लिख दें, तो 13/7 जो होते हैं 91, रिमाइंडर कितना आया 5, तो 13 whole 5/7 days, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एंड क्वेश्चन 7 इज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी इन 15 डेज, दे वर्क टूगेदर ऑन इट फॉर 6 डेज एंड देन ए लेफ्ट, हाउ लॉन्ग विल वी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो वैसे ही करना है, ए का वनडे का निकालना है, बी का वनडे का निकालना है, दोनों का वनडे का निकालना है, फिर दोनों ने मिलकर कितने डेज का वर्क करा है 6 डे, तो दोनों का 6 डे का वर्क करना है, जो वर्क निकलाएगा फिर हम लेफ्ट वर्क निकालेंगे, लेफ्ट वर्क कैसे निकालते हैं, वन में से हमने बताया था अभी, वन में से माइनस कर देते हैं, वो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, अब बी का वन डे का वर्क पता है तो उस फॉर्मूले को यूज करके जो हमने पहले करा था, चलिए पेपर पर करते हैं और समझ में आएगा, करते हैं इसको, तो यहाँ कह रहा था ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तो ए का वन डे का वर्क निकालो, एज वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/20 parts, बी इन 15 days, बी इज वन डे वर्क, बी का एक दिन का वर्क कितना हो गया 1/15, दोनों का निकाल लें, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ए प्लस वी वन डे वर्क, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कुल कितना करेंगे 1/20 + 1/15, 20 और 15 का एलसीएम होता है 60, ठीक है ना, 20 3 = 3 = 3, 15 4 = 60 और 4 = 4, तो ये हो गया 7/60 वर्क। फिर आगे कह रहा है इन दोनों ने क्या करा, दे वर्क टूगेदर ऑन इट फॉर 6 days, 6 दिन तक कंटिन्यूस काम करा साथ साथ, तो इन दोनों को पहले 6 डे का वर्क निकाल लो, ए प्लस बी 6 डे वर्क क्या होगा 6 का मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना होगा 6 × 6 = 10 times cancel, 7/10, तो इतना वर्क तो हो चुका, उसके बाद क्या हुआ 6 डे बाद कौन चला गया, ए लेफ्ट, ए छोड़कर चला गया, तो इतना वर्क हो गया, तो रिमेनिंग वर्क बचा कितना, पहले रिमेनिंग वर्क निकाल दो, रिमेनिंग वर्क, वर्क हमेशा वन माना जाता है, वन में से 7/10 को माइनस करेंगे तो 3/10 आ जाएगा, कैसे 10 एलसीएम, 10 = 10, 10 = 1, वो बनकर करेंगे तो
तो ये आ गया 3/10। तो ये पूछा है 3/10 वर्क बी उसको अकेला कितने दिन में करेगा, हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क का 3/7। अब जरा बी की कंडीशन देखें, आगे 1/15 वर्क कर रहा है 1 डेज में, तो लिखते हैं यूनिटरी मेथड से 1/15 वर्क डन बाय वी इन कितने डेज, 15 डेज में। तो अगर वन वर्क करना हो, ये वर्क का द्रव्यमान होता है 15 का मल्टीपल हो जाएगा, वन वर्क यानी कि होल वर्क डन बाय वी इन 15 into कुछ मैंने गलत लिख दिया है, हाँ ये वन डेज है। तो ये तो शुरू में दे रखा है, बी 1 डेज में कर रहा है, पूरा वर्क करता है 15 डेज में, है ना। तो वहां से भी लिख सकते थे कि एक वर्क करता है 15 डेज में। अब बच्चा 3/10 वर्क, तो ये कितने डेज में करेगा, 3/ वर्क डन वाई वी इन 15 into मल्टीपल कर दो, इसका आंसर आ जाएगा, कर दिया। तो ये क्या होगा, 5 2 10, 5 3 3 3 9/2, तो क्या होगा 2 4 remainder 1। तो कितने डेज में करेगा, 3/ जो रिमेनिंग वर्क है कुल कितने डेज में करेगा, बी अलोन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो बी विल डू द रिमेनिंग वर्क, बी विल डू द रिमेनिंग वर्क इन 4 whole 1/2 days। ओके, तो आज के वीडियो में ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है ये 7 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आप किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।